नमस्ते जी, कैसे हो सब? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से, ग्रेटर मोहाली सेक्टर 125 में आपके लिए 4 BHK स्पेनिश विला लेकर आया हूँ। ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में अवेलेबलिटी रहेगी आपके लिए, रेडी टू मूव में 1 मंथ पोजेशन रहेगी। और जो सबसे मेन चीज़ है, ये हमारी गेटर टाउनशिप है, गेट नंबर 1 है हमारा। हमारी ये 3 गेटर टाउनशिप है, पर गेट नंबर 2 और 3 पे फ्लैट्स है, गेट नंबर 1 पे प्रॉपर ये विलाज हैं, और आगे 36 शॉप्स हैं जो लगभग सारी सेल आउट हैं। और जो हमारे विलाज की इन्वेंट्री है जो आपके लिए, वो ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में, दोनों फेसिंग में अवेलेबल रहेगी। जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि रेडी टू मूव में 1 मंथ पोजेशन, और यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा सिस्टम कोई नहीं है कि आपको 3 मंथ 4 मंथ पोजेशन मिलेगी, कि अभी टाइम लगेगा, कंस्ट्रक्शन चल रही है। फ्रंट एलिवेशन का पेंट तक सारा फाइनल हो चुका है, हमारे सारे विलास का जो वर्क है, जिनकी पोजेशन चल रही है और जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, जिन्होंने पोजेशन 1 मंथ लेनी है, उनके अंदर का ही काम चलेगा प्रॉपरली। और जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है, रेन वाटर स्टोन वाटर सीवरेज, जो बाहर फ्रंट का हमारा गेट है, उसके बाहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रोड है, ये वार्ड नंबर 10 आ जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, और न्यू सनिंग क्लिफ सेक्टर 125 एयरपोर्ट रोड आ जाता है। बाहर MC का जो सीवरेज रेन वाटर है, उसी के साथ हमारा जो सोसाइटी का सीवरेज अटैच रहेगा। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे, ये थोड़ी बहुत जो वायर की क्रॉसिंग, अभी तो हमारा वर्क चल रहा है, इसीलिए हमने अंदर किया हुआ सिस्टम। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल नहीं आपको कहीं पे भी दिखेंगे, ना हमारी वेस्ट फेसिंग में, ना हमारी ईस्ट फेसिंग में, कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिकल पोल नहीं दिखेंगे। हमारी यहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग रहेगी, और जो हमारा गेट के बिल्कुल साथ में लेफ्ट साइड पे हमारे जो गवर्नमेंट के जो मीटर हैं, वो लगे हुए हैं प्रॉपरली। और ये हमारे 115 गज में विलास बने हुए हैं, ये 22.5 by 45 इसका साइज रहेगा। सैंपल हमारा रेडी टू मूव में है, मैं आपको ग्राउंड फ्लोर सैंपल का, फर्स्ट फ्लोर स्टेयर का एरिया, टॉप फ्लोर का रूफ, हर चीज़ मैं आप विजिट कराऊंगा प्रॉपरली। सबसे पहले चलते हैं, 22.5 by 45 रहेगा इसका साइज़। ये 4 bedroom प्रॉपर है, 4 attached वॉशरूम है, 2 drawing room प्रॉपर है, 2 modular kitchen है। टॉप फ्लोर पे मोंटी आप इसको स्टोरेज कर सकते हो, जैसे ग्राउंड पे 2 BHK सेट है प्रॉपरली, एज इट इज ही फर्स्ट फ्लोर है, 1.5 मंजिल नहीं बना हुआ। अगर आपने थर्ड फ्लोर बनानी है, वो भी आप नक्शा पास करके बना सकते हो। विला के अंदर जाने से पहले जो हमारी लेफ्ट साइड आ जाती है, वहाँ पे है एल शेप में पार्क, जो प्रॉपरली बना हुआ है, और बाउंड्री वॉल पार्क है हमारा प्रॉपर। और हमारा रोड का वर्क लगभग सारा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, लोगों ने पोजेशन ले रखी है, यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। एक बार अंदर चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में आपको हर चीज़ विज़िट कराऊँगा। यहाँ पे जो कार पार्किंग एरिया रहेगा हमारा, यहाँ पे आपकी अल्टो और स्विफ्ट कार आ जाएगी आराम से अंदर। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक है 10,000 liter का, और 1,000 liter की टंकी है, जो टॉप पे जो वाटर टैंक है हमारा टॉप पे रखा हुआ है हमने मोंटी के ऊपर। यहाँ पे जो हमारी स्पेस है, यहाँ पे आप 2-wheeler 1-2 करीब खड़े कर सकते हो, और यहाँ पे गार्डन एरिया भी, झूला भी रख सकते हो, गार्डन एरिया बना सकते हो आप। ये हमारी ग्राउंड की मेन एंट्रेंस है, आपको यहाँ पे प्रॉपरली एज एट इज फ्लश डोर मिलेंगे अंदर, सारे फ्रंट के भी जितने भी अंदर डोर्स हैं, सारे फ्लश डोरों के ऊपर टीक की जो हमारी प्लाई लगी हुई है, ऊपर पॉलिश रहेगी। गोदरेज का आपको फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाएगा जी। फिर आपको ग्राउंड फ्लोर पे स्पेशियस हमारा ये स्पेशियस ड्राइंग रूम रहेगा, जो एज एट इज फर्स्ट फ्लोर है। लेआउट इसका जैसे ग्राउंड बना हुआ है, एज एट इज फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है। यहाँ पे 4 seater है, यहाँ पे अपना रखा हुआ है हमने डाइनिंग टेबल, और 5 seater सोफा है। यहाँ पे 7 seater भी रख सकते हो आप, और 6 seater भी रख सकते हो डाइनिंग टेबल, 8 seater नहीं आएगा यहाँ पे। ये देख रहे हो आप, सीलिंग आपको एज एट इज मिल जाएगी विद प्रोफाइल लाइट, जितनी लाइटिंग है इसकी, इसके सीलिंग के बीच में जो ये लाइट्स है हेवल की छोटे वाली, ये आपको एज एट इज सेम क्वांटिटी मिलेगी। वॉल पे वर्क आपको एज एट इज मिल जाएगा, जो इसमें मिलेगा नहीं, कर्टन्स एंड फर्नीचर, बेड सोफे वगैरह ये मिलेंगे नहीं, बाकी आपको एज एट इज ही मिलेगा। ये हमारे विलास हैं, जो जितने भी हमने सैंपल के अलावा दिए हैं,
उनमें बस आपको कर्टन्स एंड फर्नीचर मीन्स बेड सोफे वगैरह वो मिलेंगे नहीं, और एसेसरी वगैरह ये झूमर वगैरह लगे हुए हैं वो मिलेगा नहीं। वॉल पे वर्क आपको एज इट इज मिल जाएगा, जैसे आप देख रहे हो ये हमारा कारपेंटर वर्क है, लकड़ी का काम किया हुआ है इस पे, और इस पे रॉयल का एशियन पेंट है सारी वॉल्स पे, अंदर बाहर ऊपर नीचे जहां भी, और बाहर की तरफ जो फ्रंट है वहां पे प्लास्टिक पेंट किया हुआ है एशियन का, इसीलिए इतनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। ये सारा हमने बढ़िया वर्क किया हुआ है, लगता तो ऐसा है कि पीओपी वर्क है, पीओपी कर नहीं सकते थे, अगर फर्नीचर यहाँ पे टच हो जाए फिर झड़ जाएगा वो, ये चीज रहेगी। सेवन सीटर को भी मैं जैसे कह रहा हूँ थ्री कोड में आप यहाँ पे आराम से सेवन सीटर सोफा, यहाँ पे भी स्पेस अच्छी है, यहाँ पे भी आप रख सकते हो सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल, आपको एज एट इज मिल जाएगा जैसा आप देख रहे हो। ये था हमारा ड्राइंग रूम जो स्पेशियस रहेगा, जो फ्लोर टाइल है 2.5x5.5 की फ्लोर टाइल रहेगी, सीलिंग जैसे मैंने बताया आपको एज एट इज मिल जाएगी। किचन में जाने से पहले चलते हैं बेडरूम में, और बेडरूम का साइज बहुत स्पेशियस है, आपको एज एट इज ही मिलने वाले हैं सारे बेडरूम के सेम साइज, और यहाँ पे सेम स्पेस मिलेगी सारे बेडरूम्स में। यहाँ पे हर विला में आपको बैक पैनलिंग दे रहे हैं हम, यहाँ से लेके वहां तक बस बेड ही नहीं है, बाकी हम बैक पैनलिंग जैसे हमने डिको प्लस टी के ऊपर पॉलिश का वर्क किया हुआ एज एट इज मिल जाएगा, मोल्डिंग एज एट इज मिल जाएंगी। ये डम्मी लगाई हुई है, दिखाया हुआ है कि स्प्लिट एसी की प्रोविजन है यहाँ पे बैक साइड पे, यहाँ पे मिलेंगी आपको। जो इसकी रेन की प्रोविजन है वो तो हमने जो अटैच वॉशरूम के नीचे जो हमारा शेंक है वहां पे निकाली हुई है, जो इसका आउटर है सस्ता काम नहीं किया हुआ कि यहाँ से निकाला है, यहाँ पे पीछे बालकनी में बैक साइड पे हमने निकाल दिया है। जो इसका आउटर है वो टॉप फ्लोर के रूफ पे निकाला हुआ ऊपर। बाकी ये स्पेशियस अटैच वॉशरूम चारों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे, सीलिंग 2x4 की वॉल टाइल एज एट इज मिल जाएगी, रोका की बाथ फिटिंग एज एट इज मिल जाएगी आपको, स्पेस सेम टू सेम मिलेगी। और ये सुडान टीक की चुगाठे हैं, जितने विंडो दरवाजे चुगाठे हैं सब पे पॉलिश वर्क है प्रॉपरली, कहीं पे भी आपको पेंट का वर्क नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी सेम जगह पे चारों के चारों बेडरूम्स में, यहाँ पे शेंक मिल जाएगा, वॉल हैंगिंग शेंक है, और टैप आपको रोका की, और यहाँ पे वॉल हैंगिंग सीट रोका की जो आपको मिल जाएगी। चारों बेडरूम में सेम कबर्ड्स मिल जाएंगे सेम डिजाइन के, सीलिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी विद प्रोफाइल लाइट जैसे मैंने बताया है, बैक पैनलिंग दे रहे हैं हम आपको ये सारे वाली बेड की बैक साइड पे, और जो ये दे रहे हैं ये भी आपको एज इट इज मिल जाएगी। ये डिको किया हुआ हमने टीक वाली ग्रुप लाई है इसके ऊपर, विद प्रोफाइल लाइट एज इट इज मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको सीलिंग में भी विद प्रोफाइल लाइट एज इट इज ही मिलेगी। यहाँ पे सामने जो वॉल पे सारा वर्क है आपको एज इट इज ही मिलने वाला है, जैसे आपको ये ड्रेसिंग एज इट इज मिल जाएगा विद ग्लास मोल्डिंग लगी हुई है वॉल्स के ऊपर, सीलिंग इसका एलसीडी पैनल एज इट इज मिल जाएगा, जो वॉल के टॉप पे हमने लकड़ी का वर्क किया हुआ है जैसे यहाँ पे किया हुआ है हमने डिको ग्रूव वाली टीक प्लाई पे, एज इट इज ही क्रीमी आपको एज इट इज मिल जाएगा, वो आगे तक किया हुआ है डोर तक हमने, और यहाँ पे भी हमने सरमाइके का वर्क नहीं किया हुआ, ये भी सारा हमारा डिको है टीक प्लाई के। ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम जो मैंने आपको दिखाया, कबर्ड्स के अंदर भी सरमाइका वर्क रहेगा प्रॉपरली, कहीं पे भी पेंट वर्क नहीं मिलेगा आपको। ये आपको मिल जाएगा जी। फिर आ जाती है हमारी मॉलर किचन, मॉलर किचन स्पेशियस है जैसे ग्राउंड की है, एज इट इज फर्स्ट फ्लोर मिलेगी विद ये इसको बोलते हैं हम जो पैनल है जो किचन पैनल है एज इट इज ही आपको मिल जाएगा विद ग्लास, और सरमाइका ग्लॉसी मिलेगा ऊपर की तरफ, अंदर भी सरमाइका वर्क है, यहाँ पे एज इट इज ही आपको लाइटिंग मिल जाएगी, सरमाइका ग्लॉसी रहेगा, वॉल टाइल आपको एज इट इज मिल जाएगी जैसे है लगी हुई है, ग्रेनाइट आपको एज इट इज मिल जाएगा, अरोका की टैब मिल जाएगी यहाँ पे आपको। और यहाँ पे जो सॉफ्ट क्लोजर मिल जाएंगे आपको सारे,
बस आपको बाकी विलाज में चिमनी एंड चूल्हा नहीं मिलेगा, बाकी एज इट इज मिल जाएगा सब कुछ। ये सेकंड बेडरूम है, अटैच वॉशरूम के साथ है, स्पेशियस है, जैसे मैंने बताया था। चारों बेडरूम्स का सेम साइज रहेगा, सेम स्पेस रहेगी नीचे की तरफ। यहाँ पे भी आपको एज इट इज ही बैक पैनलिंग मिल जाएगी, जो बैक पैनलिंग है एज इट इज मिल जाएगी आपको। और अटैच वॉशरूम 2x4 की वॉल टाइल मिल जाएगी आपको एज इट इज ही। वॉल हैंगिंग शीट, वॉल हैंगिंग शंख मिल जाएगा। बस टाइल का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलग है, वहाँ पे वाइट एंड ग्रे है, यहाँ पे डार्क ब्राउन एंड क्रीमी है। और कजारिया की रहेगी प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया, रोका की बार फिटिंग रहेगी। वॉल हैंगिंग शीट, वॉल हैंगिंग शंख रहेगा। कबर्ड्स चारों बेडरूम में सेम साइज के रहेंगे। फ्रंट एलिवेशन डिजाइन वगैरह हर चीज रहेगी। एलसीडी पैनल का डिजाइन बस अलग अलग रहेगा, और चारों बेडरूम में सीलिंग का डिजाइन अलग अलग रहेगा। यहाँ पे एलसीडी पैनल के ऊपर हमने टीक के ऊपर पॉलिश का वर्क किया हुआ है, और यहाँ पे नीचे डिको किया हुआ है टीक के ऊपर। जैसे मैंने बताया था, अंदर भी सरमाइका वर्क रहेंगे चारों बेडरूम्स में। बैक साइड पे वॉशिंग एरिया, स्पेशियस वॉशिंग एरिया रहेगा हमारा प्रॉपरली, बढ़िया एकदम। वेंटिलेशन क्लियर एरिया है। बालकनी टू वॉल स्पेस अच्छी है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दिक्कत आ भी सकती थी यहाँ पे, वेंट एसी वेंट यहाँ पे निकाल देते। सारे बिल्डर डीलर जितने भी विलास बनाते हैं सब यहीं पे निकालते हैं कि पैप का खर्चा कम आए, पर हमने टॉप फ्लोर के रूफ पे निकाल दिए हैं। वहां पे आप उसको कवर भी कर सकते हो, अगर एसी वेंट जो आउटर है उसको नहीं भी कवर करना तब भी चल जाता है, कुछ नहीं होता उसे। ये चारों बेडरूम्स की ग्राउंड 2 BHK एंड फर्स्ट फ्लोर जो विंडोज है, वेंटिलेशन है, बैक साइड पे निकाली हुई है हमने। यहाँ पे भी स्पेस अच्छी रहेगी प्रॉपरली। कहीं पे भी, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, आपको पेंट वर्क कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जितनी विंडो चुगाठे दरवाजे जैसे मैंने बताया, सब पे पॉलिश वर्क है टोटली, चाहे वो वॉशरूम की हो विंडोज, चाहे बाहर की हो। ये तो था हमारा ग्राउंड फ्लोर 4 BHK स्पेनिश विला का, 2 BHK सेट ग्राउंड फ्लोर का। अब एज इट इज ही फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। और मेरी तरफ से गुड विशेस रहेंगी जी, ज्यादा से ज्यादा सर्च करो, बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी, जब मर्जी हो आप विजिट करने के लिए। बस विजिट करने से पहले एक बार कॉल ज़रूरी है करनी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम लोकेशन पे आके आपने हमारे को कॉल नहीं करनी। स्टाफ कम है जी, काम ज़्यादा है। साइटें हमारी टोटल 8 हैं, और एक ही हमारे MD सर का प्रोजेक्ट है। जितने जो मेरा ये चैनल है इस पे हमारे ही प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ हैं, और कोई अदर प्रॉपर्टी की वीडियोज़ नहीं रहेगी। और बढ़िया वर्क है, एक नंबर काम है, कंपनी का सिस्टम बढ़िया है, रेडी टू मूव में है, सारी सेटें रेडी टू मूव में है। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर कुछ है भी तो हम विजिट विजिट ही नहीं करा रहे जो अपनी सेटें हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करोगे तभी आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिल पाएगी। मेरे कहने का मतलब है, अंडर कंस्ट्रक्शन कहीं पे कुछ भी मतलब, आप लोग 2-4-5 जगह जाओगे विजिट करने ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसमें से खुद ही आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर पाओगे। देखो जी, आपके सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई, जमा पूंजी लगानी है। आपको पता है इंडिपेंडेंट हाउस लेता है बंदा तो खाली हो जाता है। और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो उसका तकरीबन तकरीबन आपने डबल ही बैंक को पे करना होता है। तो अगर आप लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करोगे, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस कम होगा उस चीज़ का, रेडी टू मूव में होगा, वहाँ पे फैमिलीज रहती हूँ, मटेरियल आपने एक बार वीडियो में भी देख लेना है, 5 जगह घूम लोगे, जो 5 में से बेस्ट ऑप्शन होगी वो ही चूज़ करोगे। यह किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपना डिसीजन लो। किसी रिलेटिव के साथ आने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली के साथ आकर विजिट करो, क्योंकि आप अच्छी चीज़ भी फिर परचेज नहीं कर पाते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे को 10 साल हो गए इस फील्ड में, हमने यही एक्सपीरियंस लिया है कि अच्छी चीज़ भी कस्टमर परचेज नहीं कर पाता। हमारे को तो पता है हम कैसे बिल्डर के पास जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर अगर आप रिलेटिव के साथ आते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लोकल बंदे के साथ घूमना
बेनिफिट्स भी हैं, उसके बहुत सारे जो नुकसान भी हैं, नुकसान यही है आप अच्छी चीज़ परचेज नहीं कर पाते, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। अकेले आओ, फैमिली के साथ आओ, अच्छे से 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 जितनी आप आपका जितना आपका आपकी कैपेसिटी आप उस हिसाब से घूमो, विज़िट करो, उसमें से बेस्ट ऑप्शन खुद ही आपके सामने आ जाएगी। आप बोलोगे कि हाँ यार वहाँ पे विज़िट की थी, वो चीज़ अच्छी है। और ये वीडियोस सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं है, ये वीडियोस आपको एक गाइड करने के लिए है। अगर बिना गाइडेंस के कुछ भी कोई भी बंदा कुछ भी कर ही नहीं सकता। तो हमारा तो इसी लाइन में, हम तो बहुत टाइम से हैं और मेरे को ये पाँचवा साल है यहाँ पे जॉब करते, तो यही हमने एक्सपीरियंस कोड किया है कि अच्छा बिल्डर है और मेरा खुद का है, और मटेरियल वर्क टाइम टू टाइम पोजेशन बढ़िया है, आपके सामने है। आप 10 वीडियो देखे होंगी, तो इसको भी एक बार अच्छे से देखना। और बस मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले, आप कहीं पे भी लो, बस आपको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम स्पेशियस है, जैसे ग्राउंड एंड फर्स्ट का बना हुआ है। सीलिंग आपको अलग डिज़ाइन की मिल जाएंगी, वॉल टाइल 4x4 की रहेगी आपको। और ये हमारा मॉडुलर किचन रहेगी एज इट इज़। ये आपको फर्स्ट फ्लोर, जैसे अभी मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ, तो जैसे ग्राउंड एंड फर्स्ट की है, सेम टू सेम रहेगी। बेडरूम यहाँ पे हमने कर्टन्स वगैरह नहीं लगाए हुए और फर्नीचर नहीं रखा, क्योंकि स्पेस क्लियर हो जाती है फिर आपको सारी। एलसीडी पैनल जैसे मैंने बताया था, अलग अलग डिज़ाइन के, यहाँ पे भी स्पेस क्लियर है। ये मैंने इसकी बात कर रहा था, और इधर दोनों ड्राइंग रूम्स में, चारों बेडरूम में स्प्लिट एसी की प्रोविजन मिल जाएंगी। ये स्पेस क्लियर, वेंटिलेशन, विंडो वगैरह हर चीज़ क्लियर हो जाती है। फिर मॉडर्न किचन जैसे ग्राउंड फ्लोर का था, एज इट इज फर्स्ट फ्लोर में आपको मिल जाएगा। थर्ड बेडरूम एंड ये फोर्थ बेडरूम, ये इन रेशो से पता चलता है कि ये टीक है। ये चीजों से, ये है सुडान टीक, एक नंबर मटेरियल है जी, एक नंबर। और एक चीज मैं बेडरूम एक बार, ये है, ये निकले हुए कॉर्नर, ये 1x9 के कॉलम है। ये है एक, ये एक वो कॉर्नर निकला है, और इस वाले तो चलो मैं दिखा नहीं सकता। अब तीन इधर है, वहाँ तक तीन इधर इस वॉल में है। ये हमारी है लेफ्ट साइड विड़ा की, ये है राइट साइड, बीच में दो दिखा दिए मैंने, और दो कॉलम मोंटी में है। जब मैं टॉप पे जाऊँगा वहाँ पे निकले हुए हैं सारे कॉलम, जितने मैंने बोले हैं वो इसीलिए निकाले हुए हैं। थर्ड फ्लोर बनानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और एक चीज़ और है, ये लंबी ये बड़ी बड़ी विंडोज इसीलिए पॉसिबल है, सबके ऊपर डोरमेम डले हुए हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी आगे सारे, यहाँ पे भी 4 इंची वॉल्स पे भी डोरमेम डले हुए हैं। फोर्थ बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ था, और ये हमारा 4 BHK कंप्लीट हो चुका है, इंडिपेंडेंट हाउस। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी जी, जब मर्जी आओ विजिट करने के लिए। मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। एलसीडी पैनल है, कवर्ड्स है आपके सामने, हर चीज़ मैंने दिखा दी है। बैक साइड की बालकनी, फ्रंट एलिवेशन जो है हमारा, वहाँ पे भी फ्रंट की बालकनी फर्स्ट फ्लोर पे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेयर का एरिया भी देखना अभी थोड़ा बहुत आपने जो रह गया, और ये थोड़ी सी बालकनी छोटी होती है, पर यहाँ पे मशीन आराम से आपकी लग जाएगी। ये वेंटिलेशन है, ये ऊपर की वेंटिलेशन है। फ्रॉड पहले से कम अब इन प्रॉपर्टी लाइन में, क्योंकि अब सरकार गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है। लोगों का अब अच्छा टाइम आएगा, और हमारे को तो पता है हर चीज़ का, सरकार ने पूरा डंडे पे ले लिया है सिस्टम। अब ऐसा नहीं है, पहले हो जाता था 1-2 एकड़ में प्रोजेक्ट काट लेता था बिल्डर, तब तो कम से कम 5 एकड़, उसके बाद जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हिसाब से रोड छोड़ने पड़ेंगे, हर चीज़ उसी के हिसाब से होगी। इसका लेआउट अप्रूव्ड है इंडिपेंडेंट, मतलब इसका हमारी सोसाइटी का इंडिविजुअल 2-2 मंजिल नक्शे हमने अप्रूव्ड करा रखे हैं। ये फ्रंट एलिवेशन है बाहर से, ये हमारी रोड का एरिया है, बालकनी यहाँ पे स्पेशियस है। इस बालकनी में खड़ा हूँ मैं, जहाँ पे ये हमारे मैम खड़े हैं, ये वाली बालकनी में है। बिल्कुल लाइव वीडियो है, बहुत सारे बनाते हैं लोग, हाथ भी हिलाते हैं वीडियो के आगे आके, मैं तो ये चीज़ समझता हूँ उसमें व्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और
जो चीज मैं करता हूँ मेरे जैसे और भी होंगे एक दो, पर बहुत कम देखे हैं कि लाइव वीडियो। लाइव वीडियो का मीन्स होता है काट काट के नहीं बनानी हमने, सिर्फ ये मेरा हैंड ही दिखेगा और 99% प्रॉपर्टी दिखेगी। आपने इतना खर्चा करके अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास इंडिपेंडेंट हाउस फ्लैट प्लॉट देखने आना है, तो आप तभी आ पाओगे अगर सारी चीज़ें क्लियर हो तो। अच्छे से वीडियोस को आप, इन वीडियोस को, हमारी वीडियोस को, कोई भी बनाता है वीडियोस जिसमें लाइव वीडियो बनती है बिना काटे, जिसको देसी स्टाइल भी बोल सकते हैं इसको, पर ये हमारा है अच्छा स्टाइल है। इसका ट्रेंड अभी आएगा जब इसके सब्सक्राइबर हमारी वीडियोस के व्यूज बढ़ने स्टार्ट होंगे। ये हमारी स्टेट का एरिया है। ऐसे कोई भी, मैं बोलता हूँ कि मेरे को कमेंट में बताना आपका, आप 50,000 वीडियोस देख लो, लाइव वीडियो बहुत कम है और मैं कोशिश करता हूँ कि आप घर बैठे बैठे क्लियर हो पाओ अच्छे से। तो ये हमारा स्टेयर का एरिया, यहाँ पे भी ये एएससी मार्क, ये हमारी जो रहेगी ग्रिल, स्टेयर का एरिया स्पेशियस है। थर्ड फ्लोर बनानी है, यहीं से आप कोई सा भी सामान मटेरियल लेकर आ सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे डिजाइन आगे जो आपने ग्लास वाला देखा है वो है, ये हमारा टॉप फ्लोर का रूफ है। यहाँ पे ये निकाले हुए हमने कॉलम, वो सामने जलवायु टावर है, एयरपोर्ट रोड आ जाता है बिल्कुल 500 मीटर पे अपने सामने। ये हमारा गेट है बाहर, यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो 500 मीटर पे एयरपोर्ट रोड है हमारा। ये जो मैंने बताया था आपको, ये एसी वेंट हैं जो निकाले हुए हैं हमने टॉप के रूफ पे। ये कॉलम हैं जो निकाले हुए हैं, ये वाले 16 mm का सरिया है, 12 की रिंग है। जो मोंटी की बात कर रहा था तीन कॉलमों की, ये थोड़े बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, ये वाले। तो मेरी तरफ से गुड विशेज है। और इसका प्राइस मैं बता देता हूँ, ये 89,90,000 का रहेगा, एयरपोर्ट रोड मोहाली पे, 4 BHK स्पेनिश विला जो इसमें बना हुआ है। अगर आपको ये सैंपल चाहिए तो 94,90,000, बाकी प्राइस को ज़्यादा माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा डिस्काउंट करेंगे बढ़िया वाला। आप आओ एक बार विजिट करने, मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी जी। मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिलेगी।